मिल्खा सिंह हिंदुस्तान के ऐसे एथलीट थे जिन्हें हम असली हीरो भी बोल सकते हैं। मिल्खा सिंह ने उस समय जब सुविधाओं की बहुत कमी हुआ करती थी तब इतने मेडल भारत की झोली में डाल दिए जितने आज तक कोई भारतीय एथलीट नहीं डाल पाया। 91 साल की जिंदगी की रेस खत्म करके भारत माँ का ये बेटा तो अब दुनिया छोड़कर जा चुका है, पर उनकी जिंदगी एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में मिल्खा सिंह के बारे में 25 ऐसी बातें जानेंगे जिनसे शायद आप अनजान होंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 में लियालपुर में हुआ था। लियालपुर उस समय हिंदुस्तान में ही था, पर बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। मिल्खा सिंह के पिता लियालपुर के एक बहुत ही इज्जतदार किसान थे। नंबर 2, मिल्खा सिंह की एथलेटिक ट्रेनिंग की शुरुआत उस समय हो गई थी जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। वो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाया करते थे, जिस 10 किलोमीटर के सफर में वो कई बार दौड़कर भी जाया करते थे। नंबर 3, भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कत्लेआम मच गया, इसलिए बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत और बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान अपनी अपनी जान बचाने को भाग रहे थे, लेकिन मिल्खा सिंह के पिता ने ये फैसला लिया कि वो अपनी धरती अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ही मिल्खा सिंह के पिता और भी घर वालों को मिल्खा सिंह के सामने ही मार दिया गया, पर मिल्खा सिंह वहाँ से भाग कर निकल आए और वो हिंदुस्तान आ गए। नंबर 4, हिंदुस्तान आकर उन्हें उन लोगों के साथ दिल्ली में रखा गया जिनके पास अपना घर नहीं था, और वहीं वो अपनी कई महीनों से बिछड़ी बहन से मिले। पेरेंट्स के अलावा मिल्खा की बहन ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। कुछ दिन कैंप में रहने के बाद मिल्खा और उनकी बहन को रहने के लिए घर मिल गए। नंबर 5, हिंदुस्तान आकर मिल्खा सिंह ट्रेनों के साथ भी रेस लगाते थे। वो बहुत फुर्तीले थे और अब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। नंबर 6, इंडियन आर्मी में भर्ती देखते हुए मिल्खा सिंह एक के बाद एक लगातार 3 बार रिजेक्ट हुए, पर हार मानना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। चौथी बार के प्रयास में उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। नंबर 7, आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मिल्खा सिंह ने कटक में 200 और 400 मीटर रेस में हिस्सा लिया था। न सिर्फ उन्होंने ये रेस जीती बल्कि उन्होंने यहाँ नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया। नंबर 8, मिल्खा सिंह आर्मी में पहुंचकर भी स्पोर्ट में हिस्सा लेने लगे। मिल्खा को दूध पीना बहुत पसंद था, इसीलिए ही उन्होंने आर्मी में स्पोर्ट कोटा चुना। आर्मी में अच्छी दौड़ करते देख उन्हें एक सीनियर धावक द्वारा चैलेंज किया गया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मिल्खा सिंह ने उस रेस में हिस्सा लिया और सबको हराकर हैरान कर दिया, और इसके बाद उन्हें एथलेटिक की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। नंबर 9, स्पेशल ट्रेनिंग लेते हुए मिल्खा ने खुद को बहुत इम्प्रूव कर लिया। मिल्खा सिंह ट्रेनिंग इतनी कड़ी किया करते थे कि उनके पसीने से 2 लीटर की बोतल भर जाए। ट्रेनिंग करते हुए कई बार उनके पैरों से खून भी आने लगता था। नंबर 10, ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि उसी दौरान जब पटियाला में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो वहां उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने ये रेस 47.9 सेकंड में पूरी कर दी, इससे पहले ये रिकॉर्ड 48 सेकंड का था। नंबर 11, पटियाला में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बाद मिल्खा सिंह को 1956 में होने जा रहे मेलबर्न ओलंपिक में जाने का मौका मिल गया। मेलबर्न ओलंपिक मिल्खा सिंह का पहला ओलंपिक था, पर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो यहां कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। मेलबर्न में हार के बाद मिल्खा सिंह को खुद पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जो नहीं करनी चाहिए थी। इन सब से सबक लेकर मिल्खा सिंह ने अपनी ट्रेनिंग का टाइम और फोकस दोनों चीज़ें बढ़ा। नंबर 12, साल 1958 में मिल्खा सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एशियन गेम्स में 200 व 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किए, और 1958 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 400 मीटर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ में उन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया था, और इस हार का उन पाकिस्तानी एथलीट को बहुत दुख हुआ था। नंबर 13, मिल्खा सिंह को 1960 में एक बार फिर ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। ये ओलंपिक रोम में हुआ था।
रोम ओलंपिक में जाने से पहले मिल्खा सिंह ने 80 रेसों में हिस्सा लिया था, जिनमें उन्होंने 77 जीती थी। इसीलिए सबको उम्मीद थी, न सिर्फ भारतीयों को, सभी को उम्मीद थी कि मिल्खा सिंह ही हैं जो ये रेस जीतेंगे। नंबर 14, रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और एक के बाद एक रेस जीतते हुए फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में भी रेस शुरू होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद मिल्खा सिंह सबसे आगे निकल गए, पर वो यहाँ बहुत नर्वस थे। उन्हें लगा कि वो काफ़ी आगे हैं, इसीलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्प्रिंटिंग में एक एक पल्स बहुत मायने रखता है। मिल्खा के पीछे देखते ही उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई और 3 एथलीट उनसे आगे निकल गए। मिल्खा सिंह ये फाइनल हार चुके थे, जिसका उन्हें अफसोस पूरी जिंदगी रहा। नंबर 15, साल 1960 में मिल्खा सिंह को पाकिस्तान की तरफ से एक चैलेंज की तरह आमंत्रित किया गया। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, क्योंकि यहां उनकी मां बाप के कत्ल की दर्दनाक यादें जुड़ी हुई थीं। नंबर 16, मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, पर तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह से बोला कि वक्त हर मरहम भर देता है, आज देश के लिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। प्रधानमंत्री की बात मानकर मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने को तैयार हो गए। नंबर 17, इंडिया और पाकिस्तान का आज की क्रिकेट की तरह तब का ये हाई टेंशन मैच था। पाकिस्तान की तरफ से वही एथलीट इस रेस में हिस्सा ले रहे थे, जिन्हें 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने हराया था। पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल खालिद का इरादा उस हार का बदला लेने का था, जो 2 साल पहले मिल्खा सिंह से हुई थी। नंबर 18, जब वो रेस शुरू हुई तो मिल्खा सिंह एक झटके में सबसे आगे निकल गए। उनके आसपास कोई भी नहीं था। उनकी रफ्तार को वहां बैठे सभी लोग देखकर हैरान रह गए। पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल ये रेस खत्म होने तक मिल्खा सिंह से कई मीटर्स पीछे रह गए थे। नंबर 19, मिल्खा सिंह की रफ्तार देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने मिल्खा सिंह को मेडल पहनाते हुए कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। आयूब खान ने ही उनको फ्लाइंग सिख नाम दिया। नंबर 20, मिल्खा सिंह की जिंदगी पर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम भाग मिल्खा भाग है। जब मिल्खा सिंह के पिताजी का कत्ल हुआ, तब उनके यही शब्द थे जो इस मूवी का नाम है। मिल्खा सिंह की जिंदगी पर बनी ये मूवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मोटिवेशनल मूवी में से एक है। नंबर 21, मिल्खा सिंह ने भाग मिल्खा भाग मूवी के लिए अपनी जब पूरी जिंदगी की कहानी बताई, तो उन्होंने डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा से 1 रुपया फीस चार्ज की थी। नंबर 22, मिल्खा सिंह की लाइफ पर मूवी तो बनी है, पर इसके अलावा उनकी लाइफ पर एक किताब भी लिखी हुई है। इस किताब का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है, जो मिल्खा सिंह और उनकी बेटी ने मिलकर लिखी है। नंबर 23, मिल्खा सिंह की इच्छा हमेशा ये रही कि जो साल 1960 रोम ओलंपिक में उनके हाथ से गोल्ड मेडल चला गया, उसे कोई भारतीय एथलीट लेकर आए। लेकिन रनिंग में तो नहीं, पर बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा इंडिया के लिए पहला और एकमात्र गोल्ड मेडल लेकर आए थे। मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है, और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए। नंबर 24, मिल्खा सिंह की मुलाकात साल 1960 में एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर निर्मल कौर से हुई थी, जिनसे साल 1962 में उन्होंने शादी कर ली। मिल्खा सिंह की 3 बेटी और 1 बेटा है, जिनका नाम जीव मिल्खा सिंह है। जीव मिल्खा सिंह एक जाने माने गोल्फ प्लेयर हैं, अभी उनकी उम्र 49 साल है। नंबर 25, साल 1983 में मिल्खा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह के पास बहुत से मेडल्स और अवार्ड हैं। उन्होंने अपने सारे मेडल्स देश को समर्पित कर दिए, जो पहले दिल्ली में रखे थे, और बाद में वो मेडल पटियाला के एक म्यूजियम में रख दिए गए, और अभी भी वो वहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मिल्खा सिंह के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें, जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा।
सिर्फ एक एथलीट के लिए ही नहीं, आप मिल्खा सिंह के हार न मानने और मेहनत के जज्बे से हर फील्ड के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला है तो मिल्खा सिंह के सम्मान में एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं जो इच्छा मिल्खा सिंह की जीते जी पूरी न हो सकी वो मरने के बाद जरूर पूरी हो। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।